वाराणसी की पब्लिक से मैं अपील करना चाहूँगा कि जैसे वे लॉकडाउन में काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं, ऐसे ही आगे भी कोऑपरेट करते रहें। लॉकडाउन में 90% से ज़्यादा लोगों ने बहुत अनुशासन का परिचय दिया है, बहुत ही पेशेंस का परिचय दिया है, सारी की सारी व्यवस्थाओं को बहुत आराम से माना है। उसी का परिणाम है कि वाराणसी में ये ओवर स्प्रेड नहीं हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं कि बाकी शहरों में कई पॉजिटिव सैंपल मिलते रहे हैं, उतनी पैनिक यहाँ पे नहीं है। वो इसीलिए कि लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया है। मैं अपील करना चाहूँगा कि लॉकडाउन का सब लोग पालन करें। रविवार को 10 से 11 बजे तक एक घंटे हम लोगों ने एक और भी नई व्यवस्था के लिए समय रखा है, वो है आरोग्य ऐप को डाउनलोड करना। अब हमारा अगला चरण ये होना चाहिए कि यदि हम किसी भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हमारा मोबाइल ही हमको अलर्ट जारी कर दे, साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य महकमे में भी अलर्ट जारी कर दे और हम लोग उसकी ट्रेसिंग करा के उसकी सैंपलिंग करा सकें। इसके लिए आवश्यक है कि आरोग्य ऐप के सुरक्षा चक्र से सारे लोग जुड़ें। अभी तक वाराणसी में करीब 2,00,000 लोगों ने ऐप डाउनलोड कर ली है, जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, परंतु प्रत्येक नागरिक जिसके पास भी एंड्रॉयड या हमारा गूगल फ़ोन है उसको ये सारा का सारा डाउनलोड करना है ताकि वो एक सुरक्षा चक्र में शामिल हो सके, उसकी ट्रेसिंग जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ऑटोमेटिक हो सके। मेरी अपील होगी कि रविवार 12 अप्रैल को 10 से 11 के बीच में स्वयं भी इस ऐप को डाउनलोड करें, दूसरों को ऐप को डाउनलोड करवाएं, 10-10 व्यक्तियों को कॉल करके उनको लिंक भेज के उनको भी डाउनलोड कराएं और वाराणसी का सुरक्षा चक्र हम लोग कल से ही एक मजबूत सुरक्षा चक्र बनाएं।